अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शुमारी सब्जवारे एंड यू आर वाचिंग सब्जवारे व्लॉग्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है मोहब्बत। आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। मोहब्बत बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है कि किसी से रब्ता रखने की तमन्ना या किसी का दिल को बहाना, उसको हम मोहब्बत कहते हैं। और इसके अलावा आई थिंक मोहब्बत बेलोस होती है, यानी आपको किसी से भी हो सकती है बगैर किसी नफ़े या नुकसान को देखे। यानी जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि इन रिटर्न वो भी आपसे मोहब्बत करेगा। मोहब्बत सेल्फिश नहीं होती, यानी अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि इन रिटर्न वो भी आपसे मोहब्बत करेगा, या आप किसी की केयर करते हैं तो वो भी आपकी केयर करेगा। अगर आप ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए सवाब बन जाता है। यानी आप इंसान से किसी सिले की उम्मीद नहीं रख रहे तो अल्लाह ताला उसका सवाब आपको देता है, अल्लाह ताला उसका सिला देता है। लोग कहते हैं मोहब्बत प्रैक्टिकल इंसान को नहीं होती, लेकिन मेरा मानना ये है कि मोहब्बत सबको होती है, लेकिन बस अगर आप उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएं तो। लेकिन ये भी वक्त के साथ ही मुमकिन है। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर फियर्स। यानी अब एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर आप किसी को खोने से डरते हैं, खोना इन सेंस कि यानी आप किसी से दूर नहीं रह सकते, लेकिन एक दफ़ा अगर वो इंसान आपकी लाइफ से दूर हो जाए, यानी आपसे कुछ दूर हो जाए, तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसके बाद इंसान मजबूत हो जाता है, इंसान की शख्सियत में पुख्तगी आ जाती है। आप सोचे होंगे कि मैं मोहब्बत के बारे में ओपनली बात क्यों करी, क्योंकि जब भी हमारे सामने लव का नाम लिया जाए या मोहब्बत का नाम लिया जाए तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है इंडियन ड्रामों का या इंडियन मूवीज़ का, कि हमारे दिमाग में वही वाली मोहब्बत आती है। दरअसल अब तो खैर इवन अब पाकिस्तानी ड्रामोज में भी यही सब दिखाया जा रहा है। मोहब्बत को हमने सिर्फ एक सिंफ मुखालिफ की हद तक महदूद कर दिया, यानी हमने अपोजिट जेंडर की हद तक महदूद कर दिया है, हालाँकि मोहब्बत बहुत पाकीज़ा रिश्ता है। आप कोई भी ड्रामा देख लें, कोई भी मूवी देख लें, इवन कि आप फास्ट एंड फ्यूरियस देख लें, उसमें भी उन्होंने मोहब्बत दिखाई हुई है, वो भी ऑपोजिट जेंडर की। और इवन कि अब तो बच्चों के कार्टून्स में भी यही चीज़ आ गई है। और अब कोई मूवी अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होगा, कोई ड्रामा देखते हैं उसमें यकीनी सी बात है कि उसमें यही दिखाया जाता है कि पहली नज़र है मोहब्बत। और वो क्या होता है, हमारी पहली नज़र ही होती है कि एक या दो सेकेंड बस आपकी नज़र पड़ गई किसी पर तो ये पहली नज़र है। लेकिन ड्रामों में 5 से 7 मिनट की पहली नज़र होती है, जिसमें वो सॉन्ग लगा के तो स्लोमो बनाते हैं और वो फिर उसको दिखाया जाता है कि वहाँ से मोहब्बत होगी। और जो ड्रामा आया था अर्तुरुल गाजी, उसमें भी हिस्ट्री को दिखाने के बजाय उन्होंने हिस्ट्री भी दिखाई, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने लव स्टोरी पे फोकस किया। यानी उसमें हलीमा को ले आए और हिस्ट्री से ज़्यादा तो उन्होंने उन दोनों के सीन्स दिखाए हैं। और अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया तो आजकल इस चीज़ को इतना फ़र्ग दे रहे हैं कि माँ बाप के काम करने वाले, जो माँ बाप के करने वाले काम होते हैं वो आजकल बच्चे खुद कर रहे होते हैं। यानी ऑनलाइन बैठ के तो मोहब्बतें की जा रही होती हैं, अपने रिश्ते तय किए जा रहे होते हैं। अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है या अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो ये तो मुस्तहिब है, यानी ये तो एक सवाब का काम है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको किसी महरम से मोहब्बत है, यानी आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत है, अपने बहन भाई में किसी से है, या आपको अपने दोस्त से है, दोस्त मीन्स सेम जेंडर, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी नामहरम से, यानी किसी अपोजिट जेंडर से अगर आप कहते हैं कि मोहब्बत है, तो वो फिर हलाल नहीं है। वैसे बेसिकली होता ये है कि टीनेजर्स जो हैं, वैसे तो इंसान की फितरत भी यही है, इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि इंसान सिंफे मुखालिफ से अट्रैक्ट होता है, लेकिन टीनेजर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो इस अट्रैक्शन को मोहब्बत का नाम देते हैं। लेकिन दरअसल ये मोहब्बत नहीं है, जस्ट वक्ती अट्रैक्शन होती है जो कुछ अरसे के लिए होती है, लेकिन उसके बाद जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो वो सब ख़त्म हो जाता है। और अगर रोमांस की बात की जाए तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक फूल लगा हुआ है, तो एक बंदा आता है तो वो उसको वहीं पे पानी देता है, उसका ख्याल रखता है, और दूसरा बंदा आता है तो वो उसको तोड़ता है और जाके अपने महबूब के बालों में लगा देता है। लेकिन उधर अगर एक गाय आ जाए तो वो उसको खा लेती है, यानी उस गाय में कोई फीलिंग्स नहीं है। तो असल में यही है रोमांस की, जिसने उसका ख्याल रखा वो भी एक रोमांस था,
जिसने उसको जाके महबूब के बालों में लगाया वो भी रोमांस था, लेकिन वो गाय जो है उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, दैट मीन्स उसमें रोमांस नहीं है। तो रोमांस होता है इंसानों में, मैं भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ, लेकिन रोमांस का असल में हमने जो मतलब है वो गलत तसव्वुर किया हुआ है। यानी रोमांस को भी अगर हम इसको भी देखें तो हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि जो इंडियन ड्रामों में रोमांस दिखाया जा रहा होता है या इंडियन मूवीज़ में दिखाया जा रहा होता है, लेकिन असल में रोमांस क्या है कि कोई बंदा नेचर लविंग है, कोई किसी को बहता पानी पसंद है, किसी को चलती हवा पसंद है, किसी को ग्रीनरी पसंद है, ये सब रोमांस है। और आपके नज़दीक मोहब्बत और रोमांस का मतलब क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।